उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स और जमीन कब्जों को लेकर बने तमाम कानून और आदेश गाजीपुर में बेमानी नजर आते हैं। कानूनों की तो छोड़िए, न्यायालय के बेदखली के आदेश के बाद भी आज तक दबंगों से प्रशासन स्कूल की जमीन को कब्जा मुक्त नहीं करा पाया है। अब जब बात मीडिया के सामने आई तो जांच की बात कहकर मामले पर खानापूर्ति कर दी गई। मामला गाजीपुर के खिदराबाद गांव का है, जहां प्राथमिक विद्यालय की जमीन को कई भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जिसके कारण बच्चे विद्यालय की जगह बीच सड़क पर प्रार्थना करते हैं। यहां तक कि मिड डे मील का खाना भी बीच सड़क पर ही खाते हैं। इस मामले में गांव के प्रधान पति पलटू यादव ने डीएम सहित शासन तक पत्र लिखा है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हालांकि 2014 में बेदखली का आदेश भी हुआ है, लेकिन डीएम के बाबू भूमाफियाओं के सगे संबंधी हैं, इसलिए अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस मामले में जब उप जिलाधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जांच कर कार्यवाही की जाएगी। बहुत दिक्कत है बच्चों के साथ, अध्यापकों को भी दिक्कत है। हम लोग बाउंड्री भी नहीं है, विद्यालय कैंपस भी नहीं है, ना बच्चों को खेल खिला पाते हैं, और खाना भी सड़क पे खाते हैं बच्चे, प्रेयर भी सड़क पे, और जितना भी हम लोग का ये कार्यक्रम होता है हम लोग को सड़क पर करवाना पड़ता है। गाय भैंस आके उन सबों से बचाना पड़ता है, बच्चों को जगह ही नहीं है, सब कब्जा है। कि विद्यालय के जमीन पे जो है दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा, और जो है कि जन्मदय की 2014 में बेदखली का आदेश भी हुआ था, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। इस वजह से बच्चे जो है कि रूट की जमीन पे भोजन करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और राष्ट्रीय पर्व भी रूट के ही जमीन पर मनाया जाता है। और यही जो है विद्यालय, इतना अच्छा विद्यालय बनने के बावजूद भी जो है प्रशासन के द्वारा इस पर जो है कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर खाली हो जाएगी जमीन तो इस पर और नया निर्माण कराया जा सकता है। दबंग जो है कि अब जयराम यादव हैं, भोला पिंदे और अन्य लोग जितने डीएम कार्यालय में बाबू हैं, उन्हीं के दम पे हो रहा है। कौन बाबू, क्या नाम है भाई? अब तो क्या कहें, प्रभात बाबू जी हैं, उन्हीं के दम पे हो रहा है। सगे संबंधी हैं, वहीं के दम पर रहने तो कोई भी कार्रवाई की जा रही है, सब रुक जा रहा है। हमने कई बार जो प्रार्थना पत्र दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हीं के सह पर सब शांत हो जा रहा है। जो जयराम यादव है पोखरी पे अतिक्रमण किए हैं, और कई जगह जितनी भी गांव सभा की जमीन उस पर सब पे उनका कब्जा है, स्कूल की जमीन पे नहीं। बच्चा आप देख लीजिए कैमरा घुमाकर चारों तरफ, इसमें 2014 में भी एक आदेश है जो है कि अब बेदखली का भी आदेश है, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। और एक जो है यहाँ आदेश भी स्पष्ट रूप से आदेश है, देख लीजिए जी। ये मामला अभी संज्ञान में आया है, मैं इस स्कूल का अभी स्थल निरीक्षण करूंगा आज़ाद कल में, और इसके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे सब। ये कागज़ अभी देख लेंगे, और बेदखली का आदेश जो न्यायालय का है उसको हम पूरी तरह से पालन कराएंगे। गाजीपुर से इनसाइट न्यूज़ के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट।